Hey guys, this is the movie boy K4 Kartavya. Welcome to our channel. और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम साउथ की पॉपुलर हिंदी डब्ड वर्जन फिल्म डेंजरस खिलाड़ी सीरीज की 6 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे. और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँगा कि इन सभी फिल्मों के ओरिजिनल वर्जन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि इनके हिंदी डब्ड वर्जन को इस सीरीज के नाम से रिलीज किया जाता है. एंड आई स्पेशली डेडिकेट दिस वीडियो टू अवर व्यूवर दिव्या फुकान जी. और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म डेंजरस खिलाड़ी से. यह एक तेलुगु फिल्म थी और इसका ओरिजिनल टाइटल था जुलाई, जो 9 अगस्त 2012 को रिलीज हुई थी. और इस फिल्म को त्रिविक्रम श्रीनिवास जी ने डायरेक्ट किया था. और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, इलियाना डिक्रूज, राजेंद्र प्रसाद, सोनू सूद, कोटा श्रीनिवासा राव और ब्रह्मानंदम जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. और 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसका शेयर बना लगभग 40 करोड़. और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इसके बाद आई डेंजरस खिलाड़ी 2, जो तेलुगु फिल्म थी और इसका ओरिजिनल टाइटल था इद्रा मैलथो, जो 31 मई 2013 को रिलीज हुई थी. और इस फिल्म को पुरी जगन्नाथ जी ने डायरेक्ट किया था. और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन, आमला पॉल, कैथरीन टेरसा, अली नसर और ब्रह्मानंदम जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. और 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसका शेयर बना लगभग 31.5 करोड़. और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. इसके बाद आई डेंजरस खिलाड़ी 3. यह एक तमिल फिल्म थी और इसका ओरिजिनल टाइटल था वेट्टई कारन, जो 18 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई. और इस फिल्म को बी बाबू सिवन जी ने डायरेक्ट किया था. और इस फिल्म में विजय, अनुष्का सेट्टी, श्रीहरि और सयाजी शिंदे जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. और 18 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसका शेयर बना लगभग 17.5 करोड़. और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी. इसके बाद आई डेंजरस खिलाड़ी 4. यह एक तेलुगु फिल्म थी और इसका ओरिजिनल टाइटल था कांदीरिगा, जो 12 अगस्त 2011 को रिलीज हुई. और इस फिल्म को संतोष श्रीनिवास ने डायरेक्ट किया था. और इस फिल्म में राम पोथिनेनी, हंसिका मोटवानी, अक्षा प्रदर्शनी, सोनू सूद, चंद्रमोहन और जयप्रकाश रेड्डी जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. और 14 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 32 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसका शेयर बना लगभग 18 करोड़. और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म को हिंदी में मैं तेरा हीरो के नाम से रिमेक किया गया था. इसके बाद आई डेंजरस खिलाड़ी 5. यह एक तेलुगु फिल्म थी और इसका ओरिजिनल टाइटल था एंदुकंटे प्रेमंता. यह 8 जुलाई 2012 को रिलीज हुई और इस फिल्म को ए करुणाकरण जी ने डायरेक्ट किया था. और इस फिल्म में राम पोथिनेनी, तमन्ना, रिचर्ड ऋषि, सुमन और सयाजी शिंदे जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. और 15 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 14.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसका शेयर बना लगभग 7 करोड़ 10 लाख. और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इसके बाद आई डेंजरस खिलाड़ी 6. यह एक तेलुगु फिल्म थी और इसका ओरिजिनल टाइटल था दुसुकेल था. और यह फिल्म 17 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को वीरू पोटला जी ने डायरेक्ट किया था. और इस फिल्म में विष्णु मंचू, लावण्या त्रिपाठी, आहुति प्रसाद और ब्रह्मानंदम जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. और 12 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और इसका शेयर बना लगभग 10.5 करोड़. और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. अगर आपने ये सभी फिल्में देखी हैं तो डेंजरस खिलाड़ी सीरीज की इन फिल्मों में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.